नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी नाइट रिसर्च सेंटर में। और हम आज भी पढ़ने वाले हैं एचपी जीके के 100 सवाल, जैसे कि हमने कल पढ़े थे। तो थोड़ा सा टाइम हमें ज़्यादा लग गया और शुरुआत कर देते हैं क्लास की। ये रही आज की मोटिवेशन, जल्दी से शुरुआत करते हैं। एक बार जरा नज़र डालिए इस मोटिवेशन की तरफ। मोटिवेशन ये है, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। ठीक है, तो एचपी जीके की तैयारी आई होप आप सभी की बहुत अच्छी चली हुई है। तो आज का टारगेट क्या है सर, एक बार टारगेट भी दे दो हमें। टारगेट बड़ा ही सिंपल सा है, कोई बहुत मुश्किल सा टारगेट नहीं देंगे, है ना। एक आसान सा टारगेट है, एचपी जीके में आपको 100 में से लाने हैं सिर्फ और सिर्फ 95 नंबर। ले आओगे 95+ आपका स्कोर होना चाहिए एज यूजुअल। तो कर देते हैं फिर शुरुआत हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय श्री राम, जय महाकाल और राधे राधे। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। पहला सवाल, हाटकोटी मंदिर कहाँ पे स्थित है? सिरमौर, चंबा, कांगड़ा या फिर शिमला? जल्दी से आपने आंसर करना होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हाटकोटी मंदिर कहाँ पे स्थित है? आसान सा सवाल, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन शिमला से लगभग 84 किलोमीटर दूर, शिमला रोहडू मार्ग पर, पब्बर नदी के दाहिने किनारे पर, धान के खेतों के बीच, माता हाटकोटी के प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर के लिए यह जाना जाता है। दूसरा सवाल, बहुत बढ़िया, अब आंसर आपने देने हैं और जल्दी देने हैं। ब्रजेश्वरी मंदिर जिसे महमूद गजनबी की सेना ने नष्ट किया था, वह कहाँ पे स्थित है? ये आपको बताना है। बताइए, ब्रजेश्वरी मंदिर जिसे महमूद गजनबी की सेना ने नष्ट किया था, वह कांगड़ा में है, चंबा में है, कुल्लू में है या फिर वह शिमला में मौजूद है? जल्दी से आपने आंसर करना है चैट बॉक्स में अगर आपको आता है। और इस सेशन को हम यकीनन 1 घंटे के अंदर अंदर खत्म करेंगे। 100 सवाल है, थोड़ा सा जल्दी हमें चलना है। ऑप्शन ए कांगड़ा, डिस्क्रिप्शन ये आप बाद में पढ़ सकते हैं, स्टडी नाइट की वेबसाइट पे आप जाइए, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। 13वीं शताब्दी में निर्मित बैजनाथ मंदिर का 19वीं शताब्दी में किस शासक ने जीर्णोद्धार किया था? राजा घमनचंद, राजा विधिचंद, फिरोज शाह तुगलक या फिर राजा संसारचंद? 13वीं शताब्दी में निर्मित बैजनाथ मंदिर का 19वीं शताब्दी में किस शासक ने जीर्णोद्धार किया? गुड इवनिंग डिंपल, गुड इवनिंग सभी को, बहुत बढ़िया। इसका सही जवाब जाता राजा संसार चंद थे वो। हिस्ट्री पे सवाल, कांगड़ा पे सवाल, आगे बढ़ते हैं। सबसे ऊंचाई पे कौन सा मंदिर स्थित है? बताइए, हर एक डिस्ट्रिक्ट पे सवाल आएंगे ही आएंगे, आपकी स्क्रीन पे बताओ। अब सवाल पूछा, सबसे ज्यादा अधिक ऊंचाई पे कौन सा मंदिर है? ऑप्शन त्रिलोकीनाथ, ब्रजेश्वरी, हडिम्बा या फिर मणिमहेश। सबसे अधिक ऊंचाई पे जो मंदिर है, इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन मणिमहेश। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछा, हिमाचल के किस नदी के किनारे सूर्य मूर्ति विद्यमान है? चिनाब नदी के, राबी के, सतलुज के या फिर ब्यास नदी के? तो जो सूर्य मंदिर है, बताओ हिमाचल के किस नदी के किनारे ये सूर्य मूर्ति आपको देखने को मिलती है? आगे बढ़ते हैं, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सतलुज नदी है वो। ठीक है, रामपुर से वही कहानी, सतलुज नदी के किनारे नीरथ गांव में एक सन टेम्पल है शिमला में। आगे क्वेश्चन नंबर 6, शिमला की जाखू चोटी पे किसका मंदिर है? मंजिल बहुत दूर है क्योंकि 100 सवाल करने हैं, 100 सवाल करने हैं, मंजिल यकीनन दूर है। और उन 100 में से सर हमें तो 95 लाने हैं, तो हमारे लिए तो मंजिल सच में दूर है, क्योंकि गुंजाइश गलतियों की बहुत ही कम है, बहुत ही कम है गुंजाइश। तो बताइए, गुली गुली नहीं करनी है आज कि 100 में से आपका स्कोर 60-70 आ जाए। इसका सही जवाब क्या हो जाता, शंकर जी का, काली माता, हनुमान या फिर दुर्गा? किसका है जाकू टोप? तो ये है हनुमान जी का, बहुत बढ़िया।
आगे बढ़ते हैं। मशरूर के जो मंदिर हैं हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हैं? अब सवाल मंदिरों पे आ गए, बताइए मशरूर रॉकेट टेंपल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ये बिलासपुर में है, ये कांगड़ा में है, शिमला में है, या फिर सोलन में देखने को मिलते हैं? कहाँ पे देखने को मिलते हैं? खैर, इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन कांगड़ा में है, ये हमारा जो कांगड़ा है वहीं पे प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, बताइए 84 मंदिरों का समूह, 84 मंदिर टेंपल, ये किस जिले में है? किस जिले में है? ऑप्शन ए किन्नौर, बी भरमौर, सी चंबा, या फिर डी कांगड़ा? बताइए 84 मंदिर किस जिले में स्थित है? टेक्निकली आप सोच सकते हैं, सर अगर जिला दिया है तो फिर चंबा ही इसका आंसर होना चाहिए, फिर ऐसा सवाल आखिर क्यों पूछते हैं? एग्जामिनर पूछ लेते हैं, वो पूछ तो लेते हैं, ये आपको भी बताइए। इसका सही जवाब हो जाता जो भरमौर है, भरमौर 84 मंदिर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, माता पार्वती के कान की गुम हुई बालियां, ध्यान से देखिएगा। माता पार्वती के कान की गुम हुई बालियों के शेषनाग ने जिस स्थान पे ढूंढ निकाला था, उस स्थान का नाम क्या था? मणि महेश, ऑप्शन ए, बी बिजली महादेव, सी मणिकरण, या फिर डी त्रिलोकीनाथ? तो कौन सा मंदिर है वो? ये वाला, इसका आंसर करिए। बहुत बढ़िया सौरभ, मनोज, सुमित, चरणजीत, योगेश, केडी, ठाकुर, निखिल, सुनिधि, क्या बात है, अनीता, तन्या, रूपाली, पायल, विवेक, निधि, क्या बात है सर, आज नहीं। इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन सी मणिकरण, इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, हिमाचल प्रदेश में मध्य समुद्र तल से ऊंचाई का परास क्या है? लगभग लगभग ऊंचाई बतानी है हिमाचल प्रदेश की, कितना मीटर ऊंचा ऊंचाई पर स्थित है? 350 से 1500 मीटर, 350 से 6000 मीटर, 1500 से 4500 मीटर, या फिर 450 से 7000 मीटर? इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन बी 350 से 6000 मीटर। नेक्स्ट सवाल, हिमाचल प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? अब प्यारे बच्चों, ये उत्तर आप भी सोच रहे हैं सर राज्य नहीं, अब यूटी कर दो, यहाँ पे पुराने क्वेश्चंस हैं। तो बताइए हिमाचल प्रदेश के उत्तर में कौन है? जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है, या फिर उत्तराखंड है? और इसका सही जवाब होता ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, जो कि आप में से 99% बच्चों का सही है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा राज्य जम्मू कश्मीर का दक्षिणी पड़ोसी है? ये क्वेश्चन सही हो सकता है अभी भी, कि इसके राज्य जम्मू कश्मीर, कौन सा राज्य जम्मू कश्मीर का दक्षिण पड़ोसी है? साउथ के लिए, साउथ में कौन सा लगता है? डायरेक्शन, ज्योग्राफी, बेसिक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, या फिर हरियाणा? तो सदर्न साइड पे कौन है सर? हिमाचल ही है, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल है हमारे हमारे से, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सबसे ज्यादा जिलों से सीमा बनाता है? बताइए मंडी, शिमला, कुल्लू, या फिर लाहौल स्पीति? अब आपके मन में मैप जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए, कौन सा है वो इनमें से। मंडी कितनों से लगता है, शिमला कितनों से लगता है, कुल्लू कितनों से लगता है, लाहौल स्पीति, कांगड़ा दिया नहीं है, कांगड़ा ऑप्शन में नहीं है, ध्यान दें सर। इसका सही जवाब हो जाएगा, हमने सोच समझ के आंसर किया मंडी। तो मंडी जो है वो इनमें से सबसे अधिक राज्यों से, जिलों से रेदर लगता है, ठीक है। तो आप काउंट करें जरा कितने हैं टोटल, बताओ जरा। यहाँ पे कांगड़ा हो जाएगा, इस तरफ कुल्लू हो जाएगा, हमीरपुर हो जाएगा, बिलासपुर हो जाएगा, और आपका हो जाएगा शिमला और क्या, सिरमौर। बताओ टोटल कितने होते हैं? तो मंडी और कांगड़ा जो है लगभग 6 जिलों के साथ लगते हैं, ये आपके मन में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आई होप डायग्राम, इमेजेस, सब कुछ क्लियर है। अगेन अगला सवाल देखो, हिमाचल प्रदेश का कुल्लू कितनों के, किन किन जिलों के साथ लगता है? अब कहानी कुल्लू की आ गई, एक यहाँ से लगेगा हल्का सा, एक यहाँ से लगेगा, एक आपका यहाँ पे, और इस तरह से कुल्लू कहाँ कहाँ लगता है बताइए। 6, हाँ उसका आंसर 6 ही होता, ठीक है।
तो ये सोलन सिरमौर सारा मैप पढ़ना पड़ेगा, जैसे आप इंडिया पढ़ रहे हो अभी। तो कुल्लू जो है वो लगता पांच जिले कौन से हैं सर? लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, शिमला है, मंडी है और कौन है? कांगड़ा है। ये हैं वो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा पंजाब के रोपड़ से लगती है? ये सवाल हमसे पूछा, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का किस कौन सा जिला है पंजाब के रोपड़ के साथ लगता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि बिलासपुर यहां पे हो जाता। आगे बढ़ते हैं, किस जिले की सीमा पंजाब के साथ जुड़ी हुई नहीं है? हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो पंजाब के साथ नहीं जुड़ा है? रेदर वो जुड़ा है हरियाणा के साथ, वो जुड़ा है उत्तराखंड के साथ, वो जुड़ा है यूपी के साथ। ऐसा कौन सा जिला है जो तीन तीन राज्यों को टच करता है? वो कौन सा है बताइए? वो ऑप्शन में ऑप्शन देख के आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, काजल, सबिता, छोटे दुनायक, अर्चना, अक्षय, प्रिंस, नीलाक्षी, हितेश, अवनी, आडू, जितेंद्र पंडित, गौरव, योगेश शर्मा, विवेक, उर्मिला। अरे बाप रे सर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सिरमौर। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल के पूर्व में कौन सा सीमावर्ती राष्ट्र है? सीधा सवाल, हिमाचल प्रदेश के ईस्टर्न साइड पे कौन सा देश लगता है? नेपाल लगता है, पाकिस्तान, तिब्बत, चीन या फिर अफगानिस्तान? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, तिब्बत और चीन। राइट, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। किस जिले की सीमा जम्मू कश्मीर राज्य को स्पर्श नहीं करती है? बताइए, अब राज्य की जगह यूटी कर देते हैं। कौन किस जिले की सीमा जे एंड के, यूटी जो है लद्दाख को अलग कर लो चाहे, को स्पर्श नहीं करती है? कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको भी पता है ऊपर ऊपर हिमाचल प्रदेश के दो जिले आते हैं, वो कांगड़ा और सॉरी चंबा और लाहौल स्पीति हैं। तो आंसर निकल के आ गया सर कांगड़ा, क्योंकि चंबा के नीचे है। राइट, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हमसे पूछा गया, हिमाचल की भू आकृति के संदर्भ में शिवालिक श्रृंखला उप हिमालय पर्वतमाला के अंतर्गत है। अब शिवालिक का मतलब क्या होता है? शिवालिक से अभिप्राय है शिव का आवास, शिव का केशगुच्छ, शिव का राज्य, शिव द्वारा पवित्रीकृत पहाड़ियां। प्यारे बच्चों, शिवालिक से अभिप्राय है, शिवालिक अर्थ है शिव की जटाएं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाता। आगे बढ़ते हैं, बाह्य हिमालय क्या कहलाता है? ऑप्शन ए निचला हिमालय, शिवालिक, मेनाक या फिर ये सभी। अब पर्वतों पे सवाल, आगे हिमाचल प्रदेश के पर्वतों पे सवाल, सीधा सवाल, आउटर हिमालय इज ऑल्सो कॉल्ड डैश डैश डैश। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इसको बाह्य हिमालय, उप हिमालय, निचला हिमालय, मेनाक, शिवालिक, ये सारे नाम इसी के ही हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हमसे पूछा, प्राचीन काल में शिवालिक हिल्स कहलाती थी डैश डैश डैश, यानी शिवालिक हिल का एक और नाम है विध्यांचल पर्वत, जम्बू पर्वत, मेनाक पर्वत, हिमालय पर्वत। प्राचीन काल में शिवालिक हिल्स को क्या कहते हैं हम? तो प्राचीन काल में शिवालिक हिल्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश डैश डैश, ऑप्शन बी मेनाक आ जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। हमीरपुर और ऊना जिले किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? अब बताओ, जितने भी जिले हैं आपको पता ही है, सपोज करिए अगर ये ही है हमारे पास, तो यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है और यहाँ पे अलग है। तो आपको पता होना चाहिए जिले वाइज भी कौन सी कहाँ पे है। बाह्य हिमालय, आंतरिक हिमालय, बृहद हिमालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमीरपुर और ऊना पे सवाल है, हमीरपुर और ऊना जिला। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बाह्य हिमालय इसका सही जवाब हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, ऊना और हमीरपुर जिले की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? क्या बोलते हैं आप? हमीरपुर और ऊना जो है हमारे दो जिले, ऊना और हमीरपुर, उसकी पहाड़ियों को किस नाम से जानते हैं? मुड़वा पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां, अंदरूनी हिमालय, अरावली की पहाड़ियां। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, शिवालिक पहाड़ियां। क्वेश्चन नंबर 25, धौलाधार श्रेणी में क्या आते हैं बताइए? धौलाधार श्रेणी में क्या आते हैं? धौलाधार में कांगड़ा आता है, चंबा आता है, मंडी आता है या फिर सर सारे के सारे आते हैं ये सभी? तो इसका सही जवाब जाता, ये तीनों जिले आपको धौलाधार श्रेणी में ही देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी पर्वत श्रृंखला लाहौल स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से पृथक करती है, अलग करती है? जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधार पर्वत श्रृंखला, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला या फिर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी।
5 सेकंड में आपने इसका आंसर देना है। एचपी जीके के सवाल ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, हर जगह से पूछे जा रहे हैं आपसे, बैक टू बैक, जिस स्पीड में आप चले हुए। बहुत बढ़िया ज्योति, नीलाक्षी, प्रतिभा, अक्षय, सुनिधि, किरण, योगेश, गौरव, यू आर राइट, काजल, सभी के जवाब सही है। आकृति, कृतिका, हरप्रीत सिंह, सविता जी, यू आर राइट, द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सर, जांसकर आ जाएगा इसका सही जवाब, जांसकर पर्वत श्रृंखला। आगे बढ़ते हैं, रियो फरगियाल चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, बताओ किस में ये प्रेजेंट है, ये आपने बताना है, जांसकर में, धौलाधार में या फिर चूड़धार में। रियो फरगियाल एक चोटी है, वो कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जांसकर, धौलाधार, चूड़धार या फिर कोई भी नहीं। इसका सही जवाब जाता है ऑप्शन चूड़धार। आगे बढ़ते हैं, लाहौल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इनमें से कौन सी है सबसे ऊंची चोटी ऑफ लाहौल, लाहौल स्पीति की, मुलकिल्ला है, मुरांगला है, रियो फरगियाल है या फिर गंधमादन है। इसका सही जवाब क्या हो जाता है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन मुलकिल्ला इज द सही जवाब, मुलकिल्ला आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे से पूछा गया है, जाखधार किस जिले में स्थित है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जहां पे आपको देखने को मिलती है एक धार जिसका नाम है जाखधार, हमीरपुर में, ऊना में, मंडी में या फिर सोलन में। तो इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन हमीरपुर में हमें देखने को मिलती है जाखधार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी पर्वत श्रृंखला सिरमौर को शिमला से अलग करती है, उसका नाम बताना है, शाली है, हाटू है, चांसल है या फिर चूड़ चांदनी है। सिरमौर और शिमला को जो अलग कर रहा है वो कौन है इनमें से, दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प होगा और वो विकल्प बिल्कुल सही होगा और उस विकल्प का नाम है प्यारे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए यानी कि चूड़ चांदनी। आगे बढ़े, महासू चोटी किस जिले में स्थित है, सीधा सवाल, सोलन, शिमला, सिरमौर या फिर हमीरपुर, बताइए महासू चोटी हमें कहाँ देखने को मिलती है, इसका सही जवाब क्या होगा फिर, महासू चोटी हमें देखने को मिलती है ऑप्शन शिमला वाले, है ना, शिमला इसका सही जवाब हो जाता। क्वेश्चन नंबर 32, स्पीति और लाहौल को कौन सा दर्रा अलग करता है, जनरली हम लाहौल स्पीति तो बोलते हैं बट अगर स्पीति और लाहौल को कौन सा जोड़ता है और अलग करता है, बताओ, शिपकिला होगा, कुंजुम होगा, रोहतांग होगा, कुगती होगा, दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प होगा, ऑप्शन कुंजुम दर्रा आ जाएगा यहाँ पे सही जवाब। आगे, समुद्र तल से मुकिला एक ग्लेशियर है, उसकी ऊंचाई पूछी गई है कितनी है, तो 6642 मीटर, 6335 मीटर, 6570 मीटर या फिर 6478 मीटर है, उसकी जो ऊंचाई है वो लगभग लगभग कितनी है समुद्र तल से मुकिला ग्लेशियर की ऊंचाई, तो इसका सही जवाब होता 6478 मीटर। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा नगर हिमाचल की चंबा घाटी के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि तीन आते हैं एक नहीं आता है, चंबा में वो प्रेजेंट ही नहीं है, वो कहीं और पे प्रेजेंट है, तो यही आपने बताना है। ऑप्शन देखो, डलहौजी, चबाड़ी, गग्गल, खजियार, बताइए तो कौन सा एक है जो नहीं है और इसका सही जवाब क्या होता। विधायक जी भी आए हैं, जय श्री राम, बहुत बढ़िया अंजलि, ऑप्शन सी सर, गग्गल एक हवाई अड्डा है, कांगड़ा में है ये। क्वेश्चन नंबर 35, बृहत सिगाई और नोहतांग पर्वत किस घाटी के प्रमुख आकर्षण हैं, लाहौल के हैं, कुल्लू के हैं, पांगी के हैं या फिर किन्नौर के हैं, ये बृहत सिगाई और नोहतांग पर्वत, तो जहां पे प्रेजेंट है द करेक्ट आंसर इज लाहौल आ जाएगा यहाँ पे सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, कामरू गांव किस घाटी में स्थित है, क्या पूछा गया है, कामरू गांव ये कहां पे देखने को मिलता है, हांगरांग में, मुलगन में, सांगला में या फिर सोरंग में, कहां पे आपको देखने को मिलेगा हमारा कामरू गांव, तो इसका सही जवाब जाता सांगला। नेक्स्ट, सोलंग चोटी किस जिले में स्थित है, कल भी ये सवाल किया था आपने, अगर आपका ध्यान था, अगर कल गलत किया तो आज सही करिए, सोलन में, कुल्लू में, चंबा में, कांगड़ा में, बताइए सोलंग चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, इसका सही जवाब जाता कुल्लू। आगे, क्वेश्चन नंबर 38, धानवीन और चौंतो घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये मंडी में है, ऊना में है, बिलासपुर में या फिर हमीरपुर में,
ध्यान से देखो, धानविन और चौंतो घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मौजूद है? द आंसर इज ऑप्शन है बिलासपुर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। हिमाचल प्रदेश की पब्बर घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको रोडू घाटी कहते हैं, इसको बल घाटी कहते हैं, कांगड़ा घाटी कहते हैं, या फिर कुल्लू घाटी कहते हैं, बताइए जरा। हिमाचल प्रदेश में एक नदी पब्बर नदी, पब्बर घाटी है, किस नाम से इसको जाना जाता है? कल भी ये सवाल किया आपने, राइट? बहुत बढ़िया सर, रोडू हो जाएगा, बहुत बढ़िया। विवेक, दशनन, साक्षी, इंदु, लक्ष्मी, यस यस यस, सुनिधि। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40वां सवाल। इनमें से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? इनमें से कौन सी नदी है जो हिमाचल प्रदेश में एंटर नहीं होती है? सतलुज, ब्यास, रावी और झेलम। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? आपने बताना है जल्दी से इसका सही जवाब क्या होगा। और प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होता झेलम। झेलम नहीं है, ये जे एंड के में है। क्वेश्चन नंबर 41वां सवाल। जन विश्वास के अनुसार शतुद्र नदी को, बताना जरा, शतुद्र नदी को मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय किसे मिलता है? परशुराम को, बाणासुर को, जमदग्नि को, या फिर सहस्त्रबाहु को, बता सकते हैं आप सभी? बहुत बढ़िया सौरभ ठाकुर। सर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पाणासुर, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, बुधिल धारा का उद्गम कहाँ से होता है? सीधा सवाल, बड़ा बंगाल से, चंद्रताल से, मणिमहेश से, या फिर रेणुका से, बताओ जल्दी से। आपने बताना है बुधिल, बुधिल धारा का उद्गम होता है कहाँ से होता है? इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन मणिमहेश से। नेक्स्ट, किस एकमात्र पहाड़ी शासक ने 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान ब्रिटिश सरकार को सैन्य व वित्तीय सहायता नहीं दी? एकमात्र पहाड़ी शासक 1857 ईस्वी की क्रांति और ब्रिटिश सरकार को सैन्य तो दूर की बात, बट वित्तीय सहायता भी नहीं दी। कहलूर का शासक, बुशहर का शासक, सिरमौर का शासक, या फिर मंडी का शासक था? वो कौन सा शासक था बताइए, कौन सी रियासत थी वो? सर ऑप्शन होगी रामपुर बुशहर का शासक था जिसने नहीं किया। बहुत बढ़िया, शिमला की हिस्ट्री पे आगे सवाल। क्वेश्चन नंबर 44, अगेन एक और हिस्ट्री पे सवाल है हमसे जो पूछा गया। सवाल क्या है, 1857 ईस्वी की महान क्रांति के दौरान बुशहर राज्य का शासक कौन था जिसने ब्रिटिशरों के विरुद्ध क्रांति में हिस्सा नहीं लिया? राजा मोहिंदर पाल, राजा उगेर सिंह, राजा शमशेर सिंह, राजा राम सिंह, बताइए। बहुत बढ़िया योगेश, नरेंद्र चौधरी, बहुत बढ़िया सर, राजा शमशेर सिंह था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 हमारी स्क्रीन पे। 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़े होने के लिए जनता को प्रेरित करने वाले जननायक प्रताप सिंह की शहादत कहां पे हुई? धर्मशाला, शिमला, जोगिंदर नगर, या फिर सिरमौर? 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़े होने के लिए जनता को प्रेरित करने वाले जननायक प्रताप सिंह की शहादत जिस स्थान पे हुई, उस स्थान का नाम है धर्मशाला। नेक्स्ट, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस देशी रियासत ने तटस्थता का दृष्टिकोण अपनाया, न अंग्रेजों का न विद्रोहियों का साथ दिया, यानी न्यूट्रल रहे? रामपुर बुशहर थी, नूरपुर थी, कांगड़ा थी, या फिर जसवान रियासत थी? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वो कौन सी देसी रियासत थी जिसने तटस्थता का दृष्टिकोण अपनाया, और ये थी रामपुर बुशहर। आगे बढ़ते हैं, अगेन 1857 की क्रांति पे ही सवाल है। 1857 ईस्वी में क्रांति के समय कहलूर यानी बिलासपुर का राजा कौन था? दीवान चंद था, जगत चंद था, साहिब चंद था, हीरा चंद था, बताइए। ये सवाल आपने एचपी जीके में पढ़े हुए हैं पेड क्लासेस में, तो बताइए जरा, इसी तरह से आपने आंसर देने हैं जिस तरह से आप दे रहे हैं। सर आंसर होगा हीरा चंद। नेक्स्ट सवाल है, कुल्लू के किस शासक को 1847 ईस्वी की क्रांति के समय राय की उपाधि दी गई थी?
कल एक सवाल आया था इसी तरह से कि चंबा में बर्मन, बर्मन की जगह सिंह आया था, कहाँ पे आया था? अब ये राय की उपाधि ठाकुर सिंह को मिली, गुलाब सिंह को, अमर सिंह को, ज्ञान सिंह को, किसको मिली? कुल्लू का वो कौन सा शासक था? 1847 ईस्वी की क्रांति के समय राय की उपाधि दी गई, एंड दिस गाय इज ज्ञान सिंह। कौन थे? ज्ञान सिंह थे। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? ये हमारा है आज का 50वां सवाल। इसका सही जवाब हो जाता कितना होगा भाई? लगभग लगभग कितना मीटर? तो ऊंचाई है 350 से 7000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, आप बता सकते हैं अपना स्कोर कि सर 50 में से ये स्कोर है, फाइनल में स्कोर होना चाहिए 95+, ठीक है? मतलब होना चाहिए, गुंजाइश नहीं है, गलतियों की गुंजाइश बेटा बहुत कम है। पहला सवाल हमसे पूछा गया, हिमाचल प्रदेश के डैश जिला को जम्मू कश्मीर राज्य की सीमाएं स्पर्श करती है, बताइए। इसकी जगह हम कर देते हैं यूटी, तो कौन सा है? J&K के साथ कौन सा लगेगा बताओ? यूटी कर दो इसको, राज्य की जगह। मंडी, हमीरपुर, शिमला या फिर चंबा। तो सबसे ऊपर कौन है, छत कौन है बताओ? हिमाचल प्रदेश की छत कौन है? तो हिमाचल प्रदेश की छत है हमारा चंबा, इसीलिए चंबा जो है वो टच करता है J&K को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर के डैश में स्थित है, जम्मू कश्मीर के डैश में स्थित है, बताइए। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ? तो उनके साउथ में हुए, ऊपर से अगर आप देखेंगे राइट, दक्षिण आ जाएगा फिर। क्वेश्चन नंबर 53, हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य है, बता सकते हैं आप? दक्षिण साइड, साउथ की तरफ अगर आप देखेंगे तो कौन सा राज्य लगता है? पंजाब है, हरियाणा है, J&K है या फिर उत्तराखंड है? हिमाचल प्रदेश के साथ दक्षिण की साइड, पूरा आपको हिमाचल प्रदेश मैप आपने पढ़ा हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा सर, हरियाणा। नेक्स्ट है, बिलासपुर राज्य का हिमाचल प्रदेश में विलय कब हुआ? फाइनली कब आया भाई बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में कब आया? ये आपने कई बार पढ़ा है, 1 जुलाई डैश 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 1953, 54, 55, 56। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत बढ़िया जितेंद्र अवनी, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1954 हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल, कुल्लू राज्य का संस्थापक कौन था, बताइए। कुल्लू जिले पे सवाल आने स्टार्ट हो चुके हैं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुल्लू राज्य का संस्थापक कौन था? तोमरपाल था, वैद प्रकाश था, भियंग मणिपाल था या फिर जगत सिंह था? सो डोंट मेक मी उल्लू, आई एम फ्रॉम कुल्लू। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भियंग मणिपाल। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्यास? निम्नलिखित नदियों में से ब्यास की सहायक नदी नहीं है, लूनी, सैंज, आवा, नोगली खड्ड? एंड करेक्ट आंसर गोस विद नोगली खड्ड। ये कई बार आपको पढ़ाया हुआ है इसलिए हम स्किप कर रहे हैं। इन विच प्लेस इज छतरारी यात्रा हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में छतरारी यात्रा होती है? केलोंग में देखने को मिलती है, स्पीति में, चंबा में या फिर रामपुर में? कई बार आपने पेड क्लासेस में इस क्वेश्चन को टैकल किया होगा, तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। बहुत बढ़िया सर, चंबा में ही है, हमारे चंबा में ही होता है ये। आगे बढ़ते हैं, यूल घाटी किस जिले में है, किस जिले में स्थित है यूल घाटी बताओ जरा? इस जिले से कोई बच्चा है जो इस वक्त इस क्लास को अटेंड कर रहे है, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा या फिर मंडी? एक बार बताइए जरा, है इस जिले से कोई कि नहीं है? बहुत ही कम बच्चे हैं इस जिले से, और इस जिले में तो खैर इंटरनेट ही नहीं है, इसीलिए एक भी बच्चा वहां से नहीं है, ठीक है? इसमें हम भी नहीं कर सकते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं आपके यहाँ इंटरनेट जरूर पहुंचे। चलिए बताइए, यूल घाटी जहाँ पे है इसका नाम है जी किन्नौर। आगे मुलगन घाटी कहाँ है, कौन सी घाटी? मुलगन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, ये कहाँ पे है? किन्नौर में, लाहौल स्पीति में, कुल्लू में या फिर चंबा में? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों? चरणजीत, अच्छा बहुत बढ़िया। योगेश, पायल, सचिन, सचना, रचना, रेदर, दशानन, पायल, पहाड़ी, पहाड़ी भी आए हैं, बाकी तो पंजाब से हैं ना। इसका सही जवाब होता ऑप्शन किन्नौर। नेक्स्ट है हमारे पास, हांगरांग घाटी किस जिले में स्थित है, बताइए। वैली पे सवाल आ गए, कुल्लू में, चंबा में, लाहौल स्पीति में या फिर किन्नौर में? इसका सही जवाब क्या होगा? हांगरांग घाटी
कहाँ पे देखने को मिलती है आपको? द करेक्ट आंसर गोज विद किन्नौर, किन्नौर में ही। क्या बात है किन्नौर वालों, आगे बढ़ते हैं। बड़ा शिगड़ी, पढ़ो जरा इसको। बताइए, चलो पढ़ता हूं मैं आपके लिए। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से जिस नदी को पानी प्राप्त होता है, उस नदी का नाम है राबी, चिनाब, सतलुज या फिर ब्यास। क्या है? बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से जिस नदी को पानी प्राप्त होता है, उसका नाम है जी चिनाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। कुनिहार घाटी कहाँ से शुरू होती है? कुनिहार घाटी कहाँ से शुरू होती है? गुटकर से, टुकड़िया से, कुनीखड़ से, बांडला से। कई बार हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा है। और इसका सही जवाब जाता ऑप्शन कुनीखड़। क्या होता है इसका सही जवाब? एक सेकेंड, हल्का सा एरर शायद आपको देखने को मिल रहा हो, बता दे मुझे। चलिए, तो ये कुनीखट हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 आपकी स्क्रीन पे। हिमाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पे है? कौन सा है? कांगला, बारालाचला, परांगला या फिर पिन पार्वती। हिमाचल प्रदेश का जो सर्वाधिक ऊंचाई पे है वो है आपका परंगला। एक बार बताइए जरा, आपको स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? बताना जरा, एरर तो नहीं है कोई भी। आगे बढ़ते हैं। मंडी की शिवरात्रि, जो शिवरात्रि मेला होता है, वो कब से मनाया जाने लगा? 1646, 47, 48 या फिर 49। हालांकि बहुत सारे चीजें होती हैं जिसमें आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, आपको मान के चलना पड़ता है ना? ऑल गुड है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो मंडी का शिवरात्रि मेला ये मनाया जाता है 1646 से। नेक्स्ट सवाल, परशुराम जो ताल है, परशुराम ताल हमें कहाँ देखने को मिलता है? रेणुका, निर्मंड, रिवालसर या फिर धर्मशाला। बताइए, ये झील आपको कहाँ देखने को मिलेगी? परशुराम ताल किस स्थान पर स्थित है? रेणुका, निर्मंड, रिवालसर या फिर धर्मशाला। और इसका सही जवाब जाता ऑप्शन इसका सही जवाब जाता ऑप्शन रेणुका। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? 1978, 81, 83, 85। लोकायुक्त अधिनियम पारित कब हुआ? द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1983। बताइए, स्टेट वर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश क्या है? अगेन मोनाल है, तोता है, पेस्टन, ट्रेगोपन, वही वाले ऑप्शन या नन ऑफ दीज। तो इसका सही हो जाएगा मुनाल, जजुराना, राइट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फिक्स नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लोकसभा? लोकसभा में फिक्स सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आपने बताना है। ऑप्शन 540, 545, 444। कितनी है लगभग लगभग, ये आपने बताना है मुझे। तो बताइए जरा, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? लोकसभा में नंबर लगभग 545 हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो बताइए, इसको ऐसे पढ़ते हैं। घुमारवी विकास खंड की कोठी ग्राम पंचायत को निम्नलिखित में से किस संसद सदस्य द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तीसरे चरण के तहत चुना गया? जेपी नड्डा, शांता कुमार, अनुराग ठाकुर, इनमें से कोई नहीं। आपको एक चीज ये इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ी होगी, एक स्कीम आई थी आदर्श ग्राम योजना, जिसके तहत बहुत सारे लोगों ने किसी न किसी गांव को गोद में लिया था, और ताकि उसको डेवलप कर सकें। प्राइम मिनिस्टर ने कौन से लिया, वो सवाल रह सकता है मन में, अभी भी रह सकता है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए। और बताइए, इनमें से एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस गांव को लिया था, घुमारवी विकास खंड की कोठी ग्राम पंचायत, और तीसरे चरण में इन्होंने लिया, और ये व्यक्ति थे अनुराग ठाकुर। कौन थे? हाँ, अद्विद्या, अनुराग ठाकुर ही आएगा इसका सही जवाब। फिर आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायत के प्रधान को मासिक मानदाय कितनी मिलती है? बताइए, पंचायत में लगभग लगभग हमें कितने पैसे देखने को मिलते हैं, जो मिलते हैं आपके प्रधान जी को? तो कितने मिलते हैं प्रधान को?
इसका सही जवाब क्या हो जाता? बहुत बढ़िया, कह रहे हैं 4,000, बाकी आपने काउंट नहीं किया। चलो बाकी रहने देते हैं हम, 4,000 लगभग। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में कितने प्रशासनिक संभाग हैं, बताइए। ये सवाल कई बार किया आपने, बच्चे भी सोच रहे हैं, अरे अरे बाओ। 6,500 और जो 7,500 कह रहे हैं ना, ये वही हैं। इनके घर में ना ये 6,500 7,000 वाले वही हैं। ठीक है, इनको पता है, इनको कैसे पता है, आप सोचो खुद कैसे पता है। और सर आपने आधा ही काउंट किया, हमने खुद देखा है, हमने पूरा काउंट किया, हम सच्चे हैं, ईमानदार हैं, है ना। चलिए ऑप्शन बी 3, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पे है? ये सवाल हिमाचल प्रदेश के परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं सारे। तो एंजल है, नियाग्रा है, विक्टोरिया है, कावेरी है, सभी को पता है, ऑप्शन एंजल के साथ आपको जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 73, एनसीसी का गठन कब हुआ, बताओ। चलो 1950 में, 48 में, 47 में या फिर 1949 में। मुसाफिर भाई मेरा प्रधान है, आपा भी प्रधान मनना, क्या बात है। वेरी 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 चलाक ब्रो, नॉट चलाक बट इट्स वेरी वेरी चलाक ब्रो। एनसीसी का गठन हुआ 1948 में। राष्ट्रगान जनगण मन का गाने का सही जो अवधि है वो लगभग लगभग 58, 36, 52 और 50, कितना सेकंड रखा गया है सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं, 52 सेकंड, रविंद्रनाथ टैगोर। और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? और आजकल चंद्रमा को आप देखेंगे तो काफी अच्छा पूरा दिखेगा, 25, 27, 29 और 32। चंद्रमा की लाइट 1.3 सेकंड में पहुंच जाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है 27 दिन में। ठीक है, रोटेशन पे सवाल आ गया इसकी। क्वेश्चन नंबर 76, सुनहरा, जो भी बनना है आप बनिए और लाइफ में कुछ ऐसा करिए कि हम यहां पे आपके नाम को क्वेश्चन की फॉर्म में पढ़े। क्वेश्चन मैं बना लूंगा, ठीक है, बना लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन बन जाएगा, 4 ऑप्शन भी दे दूंगा। ठीक है, तो वहां तक आपने पहुंचना है, ठीक है, कि मैं सेम यहीं पे आपका नाम लूं। चलिए, तो सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? जूट, रबड़, कपास, तांबा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जूट। आगे बढ़ते हैं, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता या फिर चेन्नई। भारत का मैनचेस्टर, ये सवाल भी हमने कई बार किया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अहमदाबाद। जो बच्चे स्टडी नाइट के सिलेक्ट होंगे मैं कहीं ना कहीं उनका नाम रखूंगा, ठीक है। चलता है इतना कर, मैं रख दूंगा, सच में रखूंगा, हमारे इस बैच से, अर्जुना बैच से, हमारे इसमें कौन से मंडी जिले से जो सिलेक्ट हुए। 4 ऑप्शन नीचे देना पड़ेगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि नंबरों में सिलेक्शन होगी, तो फिर खोलूंगा सारे के सारे थे ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपरों की लिस्ट तो हम पहले भी दिखाते थे, आप भी दिखाएंगे। सम्राट अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अरे सर अब तो आप हमारी HRTC वाली गाड़ी चलाते हुए दिखाना है ना। इसका सही जवाब हो जाता प्यारे बच्चों, अकबर का जो राजस्व मंत्री था और वो था टोडरमल, और पटवारी वालों को कैसे भूल जाएं। आगे बढ़ते हैं, 79, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? शिमला, कुल्लू, सिरमौर, कांगड़ा। तो आंसर जाएगा शिमला, शिमला आंसर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री जो नहीं रहा, कल भी हमने किया था, प्रेम कुमार धूमल, वीरभद्र सिंह, शांता कुमार या फिर सत्य प्रकाश ठाकुर, इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा आपने बताना है। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन श्री सत्य प्रकाश ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 82, किन्नौर पृथक जिला बनने से पूर्व किस जिले का भाग था? किन्नौर कहाँ से आया है? महासू से, सिरमौर से, सोलन से। सो द आंसर इज महासू। क्वेश्चन नंबर 83, पंजाब का क्षेत्र हिमाचल में कब मिलाया गया? 1961, 74, 66 या 1956। तो पंजाब का जो एरिया आया हमारे पास वो लगभग लगभग कब आया, बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर?
इसका सही जवाब था 1966 सर। ठीक है 1966। आगे बढ़ते हैं, श्री वीरभद्र सिंह माननीय मुख्यमंत्री जो हैं उनका जन्म कहाँ पे हुआ बताइए। तो श्री वीरभद्र सिंह जी का जन्मदिन, मतलब जन्म, ठीक है बताओ जन्म कब हुआ, तो जन्मदिन भी ठीक है, रामपुर, सराहन, जुब्बल या फिर टापरी बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, एंड यस द करेक्ट आंसर इज सराहन। आगे बढ़ते हैं, 87, हिमाचल प्रदेश में राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, कितनी है भाई, 3, 4, 2, 1, लेटेस्ट आंकड़े यहाँ पे आप चेक करना, यहाँ पे आंसर 3। हिमाचल प्रदेश का कितना प्रतिशत तो भूभाग जंगलों में ही है, तो बताइए टोटल एरिया भी आपको पता होना चाहिए और उसमें फॉरेस्ट कितना है, 71.5, 66.5, 60.5 और 71.5, ऑलवेज गो विद द लेटेस्ट फैक्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 70.5% इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किन नदियों का समूह का उद्गम हिमाचल प्रदेश के पर्वतों से होता है, ये वही वाला सवाल, ब्यास, रावी, चिनाब, रावी, चिनाब, झेलम, ब्यास, रावी, सतलुज, सतलुज, रावी तथा झेलम, तो इनमें से कौन सी है वो तीन नदियां, ब्यास, रावी तथा चिनाब। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री का क्या नाम है, तो जो है उनका ऑप्शन में ही नाम नहीं है, तो सुजान सिंह पठानिया, कौल सिंह ठाकुर, ठाकुर सिंह भरमौरी या फिर जीएस बाली, पुराना है अभी के तो आपके मुकेश अग्निहोत्री हैं, तो श्री जीएस बाली यहाँ पे आ जाएगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम का की ग्रीन कार्ड योजना के अंतर्गत कार्ड धारकों को कितना परसेंट छूट है, तो इसके बारे में क्या ही पढ़ना है, ये सवाल आ गया वेबसाइट ऑफ एचआरटीसी वालों, देख लो इसको, स्मार्ट कार्ड, ग्रीन कार्ड, यही तो हैं दो तीन योजनाएं आपके लिए। तो इसका सही जवाब हो जाता है 25%, लेटेस्ट आंकड़े हैं, इसमें 30 दिया होगा क्योंकि ये पुराना पेपर है। क्वेश्चन नंबर 92, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लाहौली भाषा बोली जाती है, जल्दी से बताइए, तो शिमला, ऊना, लाहौल स्पीति, मंडी, लाहौली भाषा जहाँ बोली जाती है उसका नाम है लाहौल स्पीति। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक साक्षर है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कहाँ मिलते हैं, तो बताइए कहाँ मिलते हैं, शिमला में, मंडी में, हमीरपुर में, बिलासपुर में। ये वैसे काफी अच्छी चीज है कि मुख्यमंत्री भी वहीं से हैं तो वो टोंट नहीं मारेंगे, है ना, ऐसे तो टोंट मार ही देते हैं, है ना, मारते हैं कि नहीं मारते हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ कहीं के, ये डायलॉग तो आपको सुनने को मिलता है, सभी को मिलता है भाई, ऐसा कोई बच्चा होगा जिसके घर में ये नहीं मिला होगा, पढ़े लिखे गवार अनपढ़, है ना, तो ये कम से कम हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में आप नहीं बोल सकते हैं, जस्ट बिकॉज लुक एट द फैक्ट्स ब्रो। आगे बढ़ते हैं, इसका सही जवाब है हमीरपुर वाले बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं और चालाक भी हैं, और वहीं सबसे कम पढ़े लिखे कहाँ मिलते हैं हमें, जहाँ पे बंदर, बंदर घाटी है, जहाँ पे बांदरबाड़ी ज्यादा रहती है कहाँ पे रहती है इसका सही जवाब हो जाएगा चंबा में। चलो आगे बढ़ते हैं, चंबा वाले भी लाइक हमें क्यों तोड़ा, एक मीम है ना, मुझे क्यों तोड़ा, यहाँ पे तो सवाल भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं, पौंग डैम हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, बिलासपुर बताइए, पौंग डैम, बहुत बढ़िया सर, कांगड़ा में, हमारे कांगड़ा में ही है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल का सबसे छोटा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल एरिया वाइज काफी कम है इस जिले में, और इस जिले का नाम क्या है, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, इनमें से कोई नहीं, तो एरिया वाइज आपके पास फैक्ट होंगे सारे के सारे, बताइए क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल का सबसे छोटा जिला है हमीरपुर, राइट। और आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश की कितनी में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, 4, 3, 2, 1, उनके नाम भी आपको बताओ, यहाँ पे आंसर है 3। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी की सहायक नदी नहीं है इनमें से, यानी कि 3 है एक नहीं है, चंद्रा, कुनाहा, हटली, पैरा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सी ब्यास नदी की सहायक नदी है पूछा था, तो आंसर हो गया कुनाहा, कुनाहा है। आगे, हिमाचल प्रदेश में कितने जिले हैं बताइए, तो हमारे हिमाचल प्रदेश में, दिस इज आर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, 13, 14, 12 या फिर 19,
कितने जिले हैं हमारे यहाँ? सर आंसर हो जाएगा 12 जिले हैं। तो आज का आखिरी सवाल प्यारे बच्चों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट सवाल क्या है, हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया कितना है? 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, 55,574 स्क्वायर किलोमीटर, 55,373 स्क्वायर किलोमीटर, 52,623 स्क्वायर किलोमीटर। आज सेशन जो है काफी जल्दी हो गया है ना। इसका सही जवाब है ऑप्शन 55,673 स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया है। अब आते हैं उस निर्णायक घड़ी पे, अपना अपना स्कोर बताएं जरा कि 100 में से सर हम लेके आए हैं कितने। 95 प्लस हैं, 80 के आसपास हो, 70 के आसपास हो, 60 के आसपास हो, या फिर इससे भी कम। और अगर 60 और 50 से भी कम हो, इन क्वेश्चंस का लेवल यकीनन एवरेज सा था, ऐसा नहीं है बहुत ही जीरो था। हाँ कुछ एक सवाल थे, आप देखिए लास्ट सेकंड लास्ट सवाल या ये सवाल है ना, आसान भी थे थोड़े से मुश्किल थे। क्या स्कोर है आप सभी का एक बार बता दो। और एक और बात, आज 31 अक्टूबर है, आज आपको एक ऑफर दे रहा है स्टडी नाइट। ऑफर ये है कि हर बैच पे आपको 250 से 300 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, 250 to 300। ये मंथ जा रहा है ठीक है, इसी खुशी में आपको एक डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो HRTC बैच वाले बच्चे, आज 31 अक्टूबर है तो जल्दी से कल से प्राइस बढ़ जाएगा, 999 ना हो जाए। पटवारी के जो बच्चे थे उनके लिए फ्लैट 999 हो चुका है, वो जा सकते हैं बाय कर सकते हैं। आपको कॉल करनी है यहाँ पे, सूरज सर को कॉल करनी है, आपने नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, और टेस्ट सीरीज और इवन आप तैयारी कर सकते हैं, पटवारी पुलिस फॉरेस्ट गार्ड इनकी, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी पेपर देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के डाउट भी थे कि सर पेपर कब होगा कब होगा, तो HPRCA का गठन होने की देर है, जो पुराने थे सब इंस्पेक्टर का वो भी आपको देखने को मिलेगा। और तो और हैप्पी करवा चौथ कह रहे हैं बच्चे, तो सभी सभी लड़कियों को हैप्पी हैप्पी करवा चौथ ठीक है। चलिए तो मैं एक चीज और बताता हूं आप सभी को, जरा आप एक काम किया करिए कि जैसे हम वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ पे हमने लिखा स्टडी नाइट, गूगल पे जाइए। आप सोचेंगे सर कहाँ जाएं क्या करें, गूगल पे जाओ फिर सर्च करो स्टडी नाइट, स्टडी नाइट यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, स्टडी नाइट रिसर्च सेंटर, वहाँ पे सभी बच्चे लॉग इन करके रखें। दिस इज इम्पॉर्टेंट, कोई भी बैच अगर आपने लेना है वहाँ पे आप लॉग इन करिए। लॉग इन आप जैसे ही करेंगे आपको डैशबोर्ड दिख जाएगा, जैसे आपको डैशबोर्ड दिखा वैसे ही आप HRTC का बैच ले सकते हैं। यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। 10,000 MCQs HRTC के लिए हमने वेबसाइट पे रख दिया है, और फीस है 100 रुपीज़। तो आप खुद सोचिए, खुद सोचिए आप यहाँ की कहानी। ये देखिए HRTC का मॉक टेस्ट 1, 2, वर्ण पे टेस्ट 2, विलोम पे 2, अनेकार्थी पे, एकार्थी पे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण संधि मुहावरे लौकिकियां। प्यारे बच्चों अगर ये क्वेश्चन नहीं करोगे टैकल तो फिर यही तो सिलेबस है आपका। हिंदी पे सवाल है, हिंदी ग्रामर मिनी टेस्ट, IT टूल, GPS पे 2, ई टिकटिंग पे 2, पेमेंट गेट पे 2, मोटर व्हीकल एक्ट पे 2, हर एक सवाल है। HP GK के अभी इसमें और भी ऐड होंगे, आप ये मत सोचना है और ऐड नहीं होंगे। करंट अफेयर के मिनी टेस्ट हैं, लॉक करो इनको। कंडक्टर का व्यवहार, गाड़ी चलाना, चेक करना, स्टार्ट करना, यातायात के नियम, इंग्लिश आएगी इसमें अभी। यस अभी तो मैंने खुद इंग्लिश डालनी है, मैं इसमें ऐड करूंगा। सिनोनिम एंटोनिम वोकेबुलरी इडियम फ्रेजेस मुहावरे, क्योंकि 5-6 नंबर तो यही है। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, वो सारी की सारी चीज़ें अभी इसमें ऐड होनी है, वन बाय वन ऐड हो रही हैं। लेकिन आप इसको बाय कर सकते हैं क्योंकि ये टेस्ट सीरीज ये बिल्कुल फ्री है जिन बच्चों ने HRTC का बैच लिया हुआ है 550 रुपये में ठीक है। लेकिन अदर बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज ही चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, और 100-120 रुपये इसका प्राइस है, इसको ले सकते हैं, वरना ये भी बढ़ जाएगी ठीक है।
इसका प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप एक बार जरा वेबसाइट पे जाएं, देखें, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पेड क्लास में। सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय महाकाल, राधे राधे। और जो ये, अच्छा, लड़कियों को कल छुट्टी भी चाहिए होगी, है ना? कोई बात नहीं, देखते हैं, क्लास में पूछते हैं आपको। चलिए, मिलते हैं आपसे। ओके एवरीवन।